एंड वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, लोग कहते हैं कि आपकी जो यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आएगी ना, इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर बेस्ड होती है। तो हम बात करने वाले हैं अभी SOP के बारे में। ये डॉक्यूमेंट को कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। यहाँ पे आपको रीजनिंग देनी पड़ती है, मतलब आप UK आना चाहते हो तो क्यों आना चाहते हो, लॉजिकली बताना पड़ता है। स्टेप हाउ टू अप्लाई टू द UK यूनिवर्सिटीज, यहाँ पे ना तीन तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका है अब यहाँ पे बहुत लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि कैश अगर हम फेल हो गए, वहाँ पे इंटरव्यू सही नहीं गया हमारा, तो जो हमने जो इनिशियल डिपॉजिट पे किया था, जो हमने ऑफर लेटर एक्सेप्ट की थी, तो उन पैसों का क्या होगा। अगर आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी के जो प्री कैश इंटरव्यू है वो फेल कर जाते हो, तो आपको वो अमाउंट। हाउ टू अप्लाई फॉर अ UK स्टूडेंट वीजा इन द ईयर 2024। वेलकम बैक टू द चैनल, मेरा नाम मनप्रीत सिंह है। आज इस वीडियो में गाइज मैं आपको UK स्टूडेंट वीजा कैसे अप्लाई करना है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है एंड पूरा प्रोसेस कैसे होता है A to Z हर एक चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन में पिछले एक साल से पढ़ रहा हूँ एंड अपने होम कंट्री इंडिया में जब मैंने UK स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन की थी, मेरी ऑफर लेटर अराउंड एक वीक के अंदर अंदर आ चुकी थी एंड मेरा UK आने का प्रोसेस ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर पूरा कंप्लीट हो चुका था। तो मैंने ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को अपनाया जिसके कारण मुझे जो ऑफर लेटर है यूनिवर्सिटी से बहुत जल्दी मिल गया, तो आज इस वीडियो में मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। बट बिफोर दैट गाइज, आप इस चैनल व्हाट्सअप UK को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज व्हाट्सअप UK इज ऑल अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द UK दैट मे बी अ स्टूडेंट्स कंसर्न। इसके साथ साथ इफ यू हैव एनी डाउट, हर एक चीज़ आप कमेंट्स में पूछ नहीं सकते एंड पब्लिक में मैं रिप्लाई दे नहीं सकता, तो उस चीज़ के लिए इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाके वहां पे फॉलो करो एंड देयर वी कैन हैव अ गुड चैट अबाउट इट। तो गाइज पहले शुरू करते हैं नंबर 1 प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स से, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के बिना तो आप ऑब्वियसली वीजा अप्लाई कर नहीं सकोगे। तो यहाँ पे आपको 6 डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। नंबर 1 है पासपोर्ट, ऑब्वियसली आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो एकदम आप तो सोच भी नहीं सकते कि मतलब आपका वीजा लग जाएगा। द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज ट्रांसक्रिप्ट। अभी अगर आप यहाँ पे मास्टर्स डिग्री करने आ रहे हो तो आप अपनी यूनिवर्सिटी जो कॉलेज की डिग्री है और सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं वो आप प्रोवाइड करवा सकते हो। अगर बाय चांस आपकी कॉलेज की डिग्री नहीं आई है तो वहाँ पे आप प्रोविजनल डिग्री भी दे सकते हो। अगर आप UK में बैचलर्स करना चाहते हो तो आप अपने क्लास 12 के जितने भी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो सारे यहाँ पे अटैच आपको करने पड़ेंगे। नंबर 3 डॉक्यूमेंट कुछ ऐसा है गाइज। अब यहाँ पे हम सभी को पता है कि UK इज इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री एंड यहाँ पे आपको UK आने से पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आप इंग्लिश बोल सकते हो, सुन सकते हो एंड समझ भी सकते हो। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे आपको IELTS का सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा। बट यहाँ पे कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको वेवर्स प्रोवाइड कर देगी कि मतलब बोलेगी कि ठीक है, अगर आपके इंग्लिश में 80% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं तो आपको यहाँ पे IELTS का टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। बट उसके लिए भी आपको एक सर्टिफिकेट अरेंज करवाना पड़ता है। आप अपनी यूनिवर्सिटी या तो जो लोग यहाँ पे बैचलर्स करने आ रहे हैं उनको स्कूल में जाके अपने प्रोफेसर से लिखवाना पड़ता है द कोर्स हैज बीन टॉट एंड असेस्ड, जो कोर्स मतलब आपने किया है दैट हैज बीन टॉट एंड असेस्ड इन इंग्लिश। तो इन सम केसेस यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर लेती है। अब ये आपको कहां पता चलेगा, जब आप यूनिवर्सिटीज ढूंढोगे ना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में वहां पे लिखा रहेगा कि हम वेवर प्रोवाइड कर देते हैं। सो जिन यूनिवर्सिटी ने लिखा हुआ है वो प्रोवाइड कर देंगी एंड जिन्होंने नहीं लिखा तो वो मतलब वहां पे कुछ ऐसे स्पेसिफिक लिखते नहीं है, वहां पे आप समझ जाना कि आपको IELTS प्रोवाइड करनी पड़ेगी। नंबर 4 डॉक्यूमेंट है LOR, जिसको हम बोलते हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। अब UK यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए होते हैं 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। सो UK में जो लोग मास्टर्स करना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अपनी यूनिवर्सिटी जो कि कॉलेज में जाके वहाँ से आप बनवा सकते हो एंड एक जहाँ पे आपने जॉब की होगी, इफ इन केस आपने जॉब की है तो वो अपने एम्प्लॉयर से आप लिखवा सकते हो। एंड जो लोग यहाँ पे UK में बैचलर्स करने आना चाहते हैं तो वो अपने स्कूल से ही जाके दोनों लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखवा सकते हो। अब यहाँ पे क्या दिक्कत आती है गाइस कि प्रोफेसर स्कूल के टीचर्स या मैनेजर जिनकी भी बात कर लो वो बहुत बिजी होते हैं। आप इनके पास जाओगे डिमांड्स लेकर कि भाई हमारे लिए LOR लिख दो, तो ये बोलेंगे यार 1 से 2 हफ्ते बाद आओ। इसके कारण आपकी जो वीजा एप्लीकेशन है ना उसमें थोड़ा सा स्ट्रेच हो सकता है, टाइम ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैं अपने घर बैठ कर ही एक पूरा फॉर्मेट लिख दिया था लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का एंड वहाँ पे मैं अपने एम्प्लॉयर के पास गया, प्रोफेसर के पास गया, उनको बोला कि आप ये रीड कर सकते हो, इफ़ यू लाइक इट तो आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर दे सकते हो। सो इस चीज़ का यूज़ करके मैं एक ही दिन में सारा काम मैंने करवा लिया था। तो अगर आपको वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए गाइज, आप मेरे को इंस्टाग्राम पर टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं अपनी ही आपको LOR फॉरवर्ड कर दूंगा एंड आपको सिर्फ वहाँ पे अपना नाम एंड छोटी मोटी चीज़ें चेंज करनी है एंड देन आई फील यू आर गुड टू गो। हम चलते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट नंबर 5। यहाँ पे आपको एक अपडेटेड CV प्रोवाइड करनी पड़ेगी जहाँ पे आपको एवरीथिंग आपका एक्सपीरियंस, अगर आपने जॉब की है तो वो सब सारी चीज़ें आई फील वो बताने की जरूरत है नहीं, वो सब आपको इंक्लूड करना है अपनी CV में। नाउ द 6th डॉक्यूमेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, लोग कहते हैं कि आपकी जो यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आएगी ना इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर बेस्ड होती है। तो हम बात करने वाले हैं अभी SOP के बारे में। ये डॉक्यूमेंट को कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। यहाँ पे आपको रीजनिंग देनी पड़ती है, मतलब आप UK आना चाहते हो तो क्यों आना चाहते हो, लॉजिकली बताना पड़ता है। आप जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आई मीन देर आर अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज, तो आप वही यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ना चाहते हो, ऐसी कौन सी बात है उस यूनिवर्सिटी में, आपको वो लिखना पड़ेगा उस डॉक्यूमेंट में। अगर आप वो कोर्स, कोई भी आप कोर्स पढ़ने आ रहे हो तो वाई दैट कोर्स, आपका जो पास्ट रह चुका है बैक इन योर होम कंट्री उसके साथ कैसे चीज़ें रिलेट कर रही है, ये कोर्स कैसे रिलेट कर रहा है, वो आपको लिखना पड़ेगा। एंड ये सारी चीज़ें एक लाइन में आपको लिखेंगी, हर चीज़ का एक सेंस बननी चाहिए, फिर ही लोग कहते हैं
हैं कि आपकी मतलब ऑफर लेटर आएगी, एंड मतलब उतना डिफिकल्ट डॉक्यूमेंट भी नहीं है, बट थोड़ा ध्यान से आपको लिखना पड़ता है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास अगेन SOP है, इंस्टाग्राम में आप टेक्स्ट कर सकते हो, एंड यू नो हाई वगैरह से बात शुरू मत करना क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है फिर बात। डायरेक्ट आप बोलना कि आपको SOP चाहिए या LOR चाहिए, जस्ट राइट इट डाउन LOR क्वेश्चन मार्क, मैं आपको अपना वाला फॉरवर्ड कर दूँगा। सो गाइज, ये 6 डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो आप UK की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो। ये 6 डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते करते आपको सिर्फ 1 से 1.5 हफ्ता, मैक्सिमम 2 हफ्ते का टाइम लगना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। नाउ द सेकंड स्टेप, हाउ टू अप्लाई टू द UK यूनिवर्सिटीज़। यहाँ पे ना 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका है, आपको UCAS करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे अपना अकाउंट बनवाना है, वहाँ पे अपने जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, जितने भी मैंने आपको मतलब डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, वहाँ पे आपको अपलोड करने पड़ेंगे, एक ID बनानी पड़ेगी, एंड वहाँ से आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकोगे। जो सेकंड डॉक्यूमेंट वो है कि आप जब UK की यूनिवर्सिटीज़ में जाओगे, अपना कोर्स ढूंढोगे, वहाँ पे आपको डायरेक्टली एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि अप्लाई फॉर दिस कोर्स, वहाँ के थ्रू भी आप कर सकते हो। नाउ द थर्ड मेथड, ये काफ़ी ज़्यादा लोग अपनाते हैं, इनफैक्ट मैंने भी वही मेथड के थ्रू यहाँ पे UK का वीज़ा लिया है, दैट इज़ गोइंग थ्रू द कंसल्टेंसीज। कंसल्टेंसी एक टीम होती है, ग्रुप ऑफ पीपल, ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कि आपको हेल्प करेगी टू गेट योर स्टूडेंट वीज़ा डन। अब ये क्या करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया ना, वो आपसे ले लेंगे, एंड ये खुद ही ऑन योर बिहाफ ये जो मतलब यूनिवर्सिटीज़ में आपको एप्लीकेशन कर देंगे। कंसल्टेंसी से हेल्प लेने की मतलब इनके खुद के फायदे होते हैं, खुद के नुकसान होते हैं, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। फायदा ये होता है कि इनके पास ऑलरेडी टाई अप होता है, एक पैनल ऑफ यूनिवर्सिटी होती है, तो आप जो खुद यू नो इंडिविजुअली अप्लाई करोगे ना UCAS की वेबसाइट के थ्रू, उससे जल्दी आपको यहाँ पे रिप्लाई मिल सकता है यूनिवर्सिटी से, मतलब ऑफर लेटर जल्दी आ सकता है क्योंकि ऑलरेडी यू नो टाई अप होता है, एंड इन सम अदर केसेस आपको स्कॉलरशिप भी यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकती है कंसल्टेंसी। बट इनका नुकसान क्या होता है, कुछ कुछ कंसल्टेंसीज होती हैं मतलब इनका कमीशन भी होता है, तो आपको ना ये एक टारगेटेड बोलेंगे कि मतलब इसी यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन ले लो, इसी यूनिवर्सिटी में जाके आप यही वाला पर्टिकुलर कोर्स ले लो, तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है। आपको इस चीज़ का अगर आप ध्यान रख सकोगे तो आई फील कि कंसल्टेंसीज की हेल्प लेना इट्स नॉट अ बिग डील। अब यहाँ पे खर्चा मैं आपको बता देता हूँ, कुछ कुछ कंसल्टेंसीज होती हैं, आई मीन ऑलमोस्ट सारी कंसल्टेंसीज 0 फीस लेती है, बट 15 to 20,000 सबसे मतलब मैक्सिमम 20,000 लेगी, उससे ज़्यादा वो फीस नहीं लेगी, आई मीन जो आपको पूरी हेल्प कर रही है उसकी फीस। सो यहाँ पे मेरी टिप यही रहेगी गाइज कि यूनिवर्सिटीज़ आप अप्लाई कर रहे हो, भले ही आप कंसल्टेंसीज के थ्रू करो, बट उनको पूरा कंट्रोल मत देना, उनको आप खुद बोलना कि ये यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना है, एंड कम से कम 5 से 6 यूनिवर्सिटी में उनसे अप्लाई करवाना जाके, एंड कौन कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करनी है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड एक बार आपका ये सारा एप्लीकेशन का प्रोसीडियर हो गया, आपने 4 से 5 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर दिया है, हम आ जाते हैं इन द थर्ड सेक्शन ऑफ द वीडियो, मतलब आपकी एक्सेप्टेंस हो जाएगी। यहाँ पे आपको ऑफर लेटर आएगा, यूनिवर्सिटी आपको इन्वाइट करेगी कि देखो भाई हम आपको यहाँ पे ऑफर दे रहे हैं, कि आप अगर ये कुछ कुछ डिमांड्स रहती है वहाँ पे, अब वो डिपेंड करता है कि मतलब कुछ कुछ ऑफर लेटर्स होती हैं अनकंडीशनल, कुछ कुछ होती है कंडीशनल। अब अनकंडीशनल में क्या होता है कि हम आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपने हमें भेजे हैं वो सही हैं, एंड वी आर सेटिस्फाइड विथ योर रिजल्ट्स, सेटिस्फाइड विथ योर डॉक्यूमेंट जो भी आपने प्रोवाइड किए हैं, आप यहाँ पे UK आ सकते हो पढ़ाई करने। ऑफर लेटर का मतलब ये नहीं होता कि आपको यहाँ पे वीज़ा मिल चुका है, क्योंकि इसके बाद और भी प्रोसेस है जो कि आपको वीडियो में आगे पता चल जाएंगे। अगर आपको आ जाती है कंडीशनल ऑफर लेटर, मतलब वहाँ पे कंडीशंस होती है, यूनिवर्सिटी आपको वहाँ पे बोलेगी कि आप ये वाला डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करो, आपका ये डॉक्यूमेंट सही नहीं है, मान लो कि आपका आईलेट्स का स्कोर ही सही नहीं आया, तो यूनिवर्सिटी वहाँ पे आपको बोलेगी कि आईलेट्स का फिर से आपको एक नया टेस्ट देकर सही सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा, 6.5 बैंड जो भी उनकी डिमांड रहेगी वो लिखेगी। तो अगर उनका ये कहना होता है, अगर आप ये प्रोवाइड कर देते हो तो हम आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। तो एक बार आपने ये यूनिवर्सिटी की सारी डिमांड्स पूरी कर दी, आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ जाता है, तो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है आपको ऑफर लेटर एक्सेप्ट करना पड़ता है, एक छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ता है यहाँ पे। सो जो अमाउंट होता है वो डिफर करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। मैंने अपने टाइम पे यहाँ पे 3,000 pounds पे किए थे, जो कि कुछ हिस्सा था मेरी ट्यूशन फीस का, बट अभी वो आपकी यूनिवर्सिटी आपकी फीस के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। बट हाँ, आपको ये पे जरूर करना पड़ेगा, आपको शो करना, दिस इज लाइक अ साइन कि हाँ मैं ये ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो मैं अपनी ट्यूशन फी भी पे कर रहा हूँ। वंस यू हैव डन दैट, आपने अपना इनिशियल डिपॉजिट पे कर दिया है, हम आ जाते हैं इन द थर्ड सेक्शन, हम अभी वर्क करेंगे टूवर्ड्स CAS, जिसको बोलते हैं कन्फर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज। अब इसके बीच में आपको बहुत सारी चीज़ें भी करनी पड़ती है। नंबर वन, आपको मेंटेनेंस डॉक्यूमेंट यहाँ पे मेंटेन करने पड़ते हैं अपने बैंक अकाउंट में। अगर आप लंदन आना चाहते हो तो आपको करीब करीब 12,000 pounds, जो कि 12 लाख इंडियन रुपीज़ होते हैं, वो मेंटेन करने पड़ेंगे, अपने अकाउंट में रखने पड़ेंगे फॉर लाइक 28 डेज। अगर आप लंदन से बाहर आ रहे हो तो 9,000 pounds आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। उसके बाद आपका कैश इंटरव्यू होता है। अब यहाँ पे बहुत लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि कैश अगर हम फेल हो गए वहाँ पे, इंटरव्यू सही नहीं गया हमारा, तो जो हमने जो इनिशियल डिपॉजिट पे किया था, जो हमने ऑफर लेटर एक्सेप्ट की थी, तो उन पैसों का क्या होगा? अगर आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी के जो प्री कैश इंटरव्यू है वो फेल कर जाते हो, तो आपको वो अमाउंट रिफंड हो जाता है। तो एक बार आपने यहाँ पे अपना प्री कैश इंटरव्यू पास कर लिया, एंड जो 28
दिन पुराने फंड्स आपको अपने अकाउंट में रखने थे, वो स्टेटमेंट लेकर आपने अप्लाई कर दिया आगे, यू नो, वो यूनिवर्सिटी को वेबसाइट में अपलोड कर दी, विद इन 15 to 20 days मैक्सिमम, एक महीने के अंदर अंदर आपकी कैश आ जाती है। अब ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे फिर से यूनिवर्सिटी का नाम, कोर्स का नाम वगैरह सब कुछ यहाँ पे डिटेल में लिखा रहता है, आई मीन यूनिवर्सिटी कन्फर्म करती है। आपको एक यूनिक नंबर मिलता है इस डॉक्यूमेंट में। अब वो यूनिक नंबर को लेकर हम पहुँच जाते हैं इन द अदर सेक्शन ऑफ द वीडियो, दैट इज अप्लाइंग फॉर द वीजा। वीजा एप्लीकेशन हम यहाँ पे करते हैं। अब उसके लिए आपको यूके वीजा एप्लीकेशन की फीस होती है वो पे करनी पड़ेगी, IHS यानी कि इंटरनेशनल हेल्थ सरचार्ज फीस वो भी आपको पे करनी पड़ेगी। अब आपका इसमें कितना खर्चा होने वाला है उस चीज़ के ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जरूर रेफर कर लेना, आपको मतलब पूरे प्रोसेस का ना पूरा खर्चा पता चल जाएगा। इसके बाद एक और डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपको चाहिए होता है, दैट इज टीबी सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे आपको प्रूफ करना पड़ता है कि मुझे टीबी नहीं है, उसके लिए आपको टीबी टेस्ट लेना पड़ेगा। एंड इसका यही रीजन है क्योंकि हम सभी को पता है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक यू नो टीबी कंट्री, यहाँ पे टीबी की जो बीमारी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो यू हैव टू जस्ट प्रूफ, एक टेस्ट लेना पड़ता है। एंड एक बार आपने वो टेस्ट ले लिया, ऑलमोस्ट 95% केसेस में अगर आपको खांसी नहीं है ना तो सभी को ही पास कर जाते हैं, दिस इज, उसके ऊपर आपको इतना वरी करने की जरूरत है नहीं। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आप एप्लीकेशन करोगे ऑनलाइन एंड आपको एक यू नो काइंड ऑफ एक और समराइज डॉक्यूमेंट मिलता है, उसका आपको प्रिंटआउट लेके आपको जाना पड़ता है VFS ग्लोबल ऑफिस, जहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट सबमिट करना पड़ता है, अपनी बायोमेट्रिक्स करवानी पड़ती है। एंड यहाँ पर मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास 1 to 2 months का टाइम है ना अपना जो इनटेक है वो स्टार्ट होने से पहले, तो आई विल सजेस्ट कि आप स्टैंडर्ड वीजा कैटेगरी में ही जाना, क्योंकि आ जाता है वीजा 10 to 15 days में। एंड आपने एक बार पासपोर्ट सबमिट कर दिया है तो गाइज आपके साइड का काम हो चुका है कंप्लीट। इसके बाद वो जो VFS ग्लोबल ऑफिस होता है उनके ऊपर आ जाता है डिसीजन, वो सारा कुछ आपका चेक करते हैं जितने आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं। सो अभी तक जो मैंने वीडियो में बताया गाइज 99% ऑफ टाइम यही सारा सेम प्रोसेस होने वाला है, बट यहाँ पे जो खर्चे होते हैं ना वो कभी कभार बढ़ जाते हैं ज़्यादा, जैसे कि मैं यहाँ पे £450 करीब करीब उतने पे करके आया था एज एन IHS फीस। वीजा एप्लीकेशन फीस भी मेरे टाइम पे सस्ती सी 1 साल पहले, बट अभी तो ये थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है, जो कि आप ये वीडियो में जाके ज़रूर चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, मैं कोई भी चीज़ मिस कर गया हूँ गाइस, तो डोंट फॉरगेट, आप कमेंट्स में पूछ सकते हो एंड मैं ट्राई करूँगा कि मैं उसका रिप्लाई दे दूँ। एंड अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए रियली, यू नो, आप सीरियस हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में वहाँ पे DM करो, मैं आपको अपने डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड कर सकता हूँ। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, मैं निकलता हूँ इस वीडियो से, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।